नमस्कार, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है, बोले सिर्फ अप्रोच वालों को मिलती है अच्छी पोस्टिंग। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने एक बयान देकर खुद मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। दरअसल सराफ ने कर्मचारियों की पोस्टिंग को लेकर एक बयान दिया था जो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। सराफ ने कहा था कि बेहतर पोस्टिंग सिर्फ अप्रोच वालों की होती है, जिनकी अप्रोच नहीं होती उनके आवेदन को हटा दिया जाता है। उस समय जो सबसे कमजोर कड़ी होती है उसको हटाया जाता है, जिसकी कोई अप्रोच नहीं होती उसको हटा देते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कर्मचारियों ने नाराजगी जाहिर करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को कई जगह पर सराफ के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन हुए। उधर नवगठित भारत वाहिनी के नेता घनश्याम तिवाड़ी ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए पोस्टिंग को उद्योग बनाने का आरोप लगाया है। चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने यह विवादास्पद बयान अन्नपूर्णा मिल्क योजना के उद्घाटन कार्यक्रम में भरतपुर पहुंचने पर दिया था। कार्यक्रम के दौरान सराफ ने जन सुनवाई भी की थी। इसी सुनवाई में सरकारी कर्मचारी उनके पास पोस्टिंग की अर्जी लेकर पहुँचे थे। इस पर चिकित्सा मंत्री सराफ ने उन्हें कहा कि पोस्टिंग सिर्फ उन्हीं लोगों की होती है जिनकी अप्रोच होती है, बगैर अप्रोच वाले लोगों के आवेदन हटा दिए जाते हैं। नाराज लोग मंत्री सराफ से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। किसान नेता नेम सिंह ने कहा कि मंत्री के इस विवादित बयान पर मुख्यमंत्री को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बयान के विरोध में मंगलवार को स्थानीय लोगों ने अखिल भारतीय किसान यूनियन अम्बाबाता के अध्यक्ष नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में भरतपुर शहर में विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन के सदस्यों ने यहां बिजलीघर चौराहे पर चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ का पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी की। ऐसे ही देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।